ट्विन टावर को गिराने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के तमाम इंतजामों के बीच एडिफिस कंपनी द्वारा ठीक 2:25 पर ब्लास्ट के जरिए 40 मंजिला ट्विन टावर को ध्वस्त कर दिया जाएगा। लेकिन इन दोनों ही टावर को गिराने के लिए जिस बटन को दबाया जाएगा वो बॉक्स अब यूपी तक आपको दिखाएगा। वीडियो में दिख रहे काले रंग के बॉक्स में ब्लास्ट ऑपरेटिंग स्विच इंस्टॉल किया गया है। इसी स्विच से टावर में लगाए गए विस्फोटक को जोड़ा जाएगा, जिसके बाद इस बॉक्स में लाल रंग की लाइट जलेगी और इसके बाद हरे रंग का बटन दबाते ही सेक्टर 93A में बनी भ्रष्टाचार की इमारत भरभरा कर गिर जाएगी। इसी के साथ ही ट्विन टावर को गिराने के पहले नोएडा प्राधिकरण और प्रशासन की ओर से तमाम सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित किया जा रहा है। बता दें कि ठीक 2:30 धमाके शुरू होंगे। सारे धमाके 7 से 9 सेकंड में पूरे हो जाएंगे और अगले ही 20 सेकंड में ध्वस्त हो जाएगा पूरा का पूरा ट्विन टावर। धूल के गुबार को खत्म करने के लिए आसपास के एरिया में 10 एंटी स्मॉग गन लगाई गई हैं। साथ ही साथ सड़क की सफाई के लिए 200 मजदूर, 8 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीन और 50 वाटर टैंकर का इंतजाम भी किया गया है। साथ ही साथ डस्ट मॉनिटरिंग को लेकर 6 स्टेशन बनाए गए हैं। 3 स्टेशन 500 मीटर की दूरी पर लगाए गए हैं, जबकि 3 स्टेशनों को 1 किलोमीटर की रेंज में इंस्टॉल किया गया है। इसके साथ ही ब्लास्टिंग से होने वाले कंपन को नापने के लिए आसपास की तमाम सोसाइटियों में 15 वाइब्रेशन मापने के इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं। ब्लास्ट से पहले 1:45 तक सभी इंस्ट्रूमेंट को लगाकर सोसाइटी और ट्विन टावर को पूरी तरह खाली कर दिया जाएगा। इसके साथ ही सुरक्षा के इंतजाम को पुख्ता करने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार नोएडा की सड़कों पर पेट्रोलिंग की जा रही है। साथ ही लोगों को प्रतिबंधित क्षेत्र से दूर रहने के लिए निर्देश भी दिए जा रहे हैं। मौके पर पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह और ज्वाइंट कमिश्नर लव कुमार मौजूद हैं। नोएडा प्राधिकरण ने धूल के प्रभाव से बचने के लिए ध्वस्तीकरण के आसपास के इलाकों के लोगों को कुछ घंटों तक मास्क आवश्यक रूप से पहनने की अपील की है। गाइडलाइन के मुताबिक पार्श्वनाथ प्रेस्टीज और पार्श्वनाथ सृष्टि सोसाइटी, गेझा गांव, सेक्टर 92, 93, 93A, 93B आदि क्षेत्र में रहने वाले बुजुर्गों, बच्चों और सांस संबंधित रोगियों को एहतियात के तौर पर मास्क पहनने के लिए कहा गया है। प्राधिकरण ने एक कंट्रोल रूम की स्थापना भी की है, जहां पर ध्वस्तीकरण के बारे में किसी भी प्रकार की समस्या से जुड़ी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। कंट्रोल रूम में अधिकारी, आपदा प्रबंधन की टीम और अस्पतालों के संपर्क में रहते हुए आवश्यक प्रबंधन सुनिश्चित करेंगे। कंट्रोल रूम 28 अगस्त को सुबह 6 से लेकर 30 अगस्त तक संचालित रहेगा। कंट्रोल रूम में तमाम नंबर दिए गए हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इन नंबरों पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। नोएडा से भूपेंद्र चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।